Hey guys, I am Amnan Sarkar and welcome back to my channel Causes for Insivers. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता या फिर इस टॉपिक इस चीज के बारे में ना ही किसी ने सोचा होगा कभी। तो ये जो मैंने जितना भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बहुत लोगों से बात करने के बाद में ये चीज कह रहा हूँ आपको। तो ज्यादातर अगर जब हम मास्टर्स कर लेते हैं फॉरेंसिक्स में या फिर एक अच्छा खासा डिग्री हम ले लेते हैं उसके बाद हम जॉब के लिए जाते हैं और जॉब के लिए हमारे पास कुछ ही ऑप्शन है, जैसे लैब्स हो गए या फिर प्राइवेट लैब्स हो गए या फिर आप एमएनसीज में जा सकते हो या फिर खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो या फिर कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ओशनोग्राफिक सिस्मिक डिपार्टमेंट, ठीक है, आप वहां पे जाके काम कर सकते हो। तो ये तो हो गया जो जिसके बारे में हमें पता है कि हम क्या कर सके या फिर आप ज्यादा से ज्यादा फॉरेन में जाके वहां पे रिसर्च परस्यू करके आप काम कर सकते हो, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है बिजनेस, फॉरेंसिक में बिजनेस करना। अब फॉरेंसिक में बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, जो किट सप्लाइंग होता है ना, जो मेन जो मार्केट होती है जिसको हम होलसेल मार्केट कहते हैं जनरल टर्म, तो वो बहुत कम है इंडिया में। जो होलसेल रिटेलर होते हैं वो लोग गिने चुने, एक ओरियन सोर्स कंपनी, एक वज्रा बायोमेट्रिक्स नाम का है या फिर क्विकसॉफ्ट नाम का एक कंपनी है, तो ये कुछ गिने चुने हैं। आप इंडिया मार्ट में उनके वो देख सकते हो, लिस्टिंग देख सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जो सप्लायर्स होते हैं ना वो होता है मिडिलमैन। मिडिलमैन मतलब जो जितने भी प्राइवेट लैब्स होते हैं, जैसे आप SIFS ले लो या फिर JK कंसल्टेंसी ले लो या फिर IFS पुणे ले लो या फिर आप कोई और कंपनीज ले लो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो मिडिलमैन होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो करते हैं, मतलब प्राइवेट फॉरेंसिक लैब है इनका, ये तो करते ही है उनका जो काम है। साइड बाय साइड वो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव का काम भी करते हैं वो लोग एंड ये बिजनेस भी करते हैं। तो मेन जैसे अगर आप देख लो चेन्नई में एक दो है, जैसे अगर देख लो कोलकाता में, कोलकाता में सप्लायर कोई नहीं है। अगर आप कोई बंदा कोलकाता से है, ठीक है, और वो उसने एक लैब खोला, वो एक मिडिलमैन को ऑर्डर देता है, तो जो परसेंटेज होता है ना, जो भाव होता है वो ज्यादा हो जाता है। अगर एक सिंपल एक यू नो जो एक बिगिनर है उनका एक अगर वो एक फॉरेंसिक किट लेता है, फिंगरप्रिंट किट फॉर एग्जाम्पल, उसका जो रिटेलिंग कॉस्ट है, अगर आप डायरेक्ट उस दुकान से खरीदते हो होलसेल दुकान, तो उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 2000 से लेके 2200 तक। वही अगर आप ऐसे मिडिल, जैसे अगर आप जो ये मिडिल सप्लायर्स होते हैं जो ऐसे प्राइवेट लैब से खरीदते हो, ठीक है, वो आपको 500,000 रुपए ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि वो 500,000 रुपए वो लोग कमाते हैं। ये चीज है। तो अगर आप बिजनेस करते हो इसमें, क्योंकि बहुत ऐसे इंडिया में बहुत अगर आपको आपका कहीं पे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो और इससे एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉरेंसिक साइंस ऑफर करते हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस के लिए लैब बहुत जरूरी होता है और इस लैब के लिए सामान चाहिए होता है, तो वो लोग इसे गिने चुने लोगों से ऑर्डर देते और इसके लिए उनको भाव ज्यादा पड़ता है। वही अगर हर एक बंदा, जैसे कोलकाता से बहुत लोग पढ़ते हैं, चेन्नई ले लो, साउथ इंडिया से ले लो, नॉर्थ इंडिया से ले लो, नॉर्थ इंडिया में इसका ज्यादा है, साउथ एंड ईस्टर्न में कम है, वेस्टर्न में भी है, ठीक है, तो अगर एक एक बंदा करके अगर आप करते हो ये चीज तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है इससे। और जो अगर मैं ये और सिर्फ ये नहीं, जब ट्रेनिंग देते हो इंटर्नशिप, ऐसे बहुत सारे जो प्राइवेट लैब्स होते हैं वो लोग इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, इंटर्नशिप इन द सेंस पेड इंटर्नशिप, ठीक है, आप पैसे तो आप करो। अब जो गवर्नमेंट होता है BSc लेवल पे, बहुत कम जगह पे गवर्नमेंट पे मिलता है। अभी गवर्नमेंट भी पैसे लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, कहीं पे 2000, कहीं पे 1000, कहीं पे 2500, ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर दिए उन्होंने लेना। तो ये होता है कि जो मैंने बहुत सारे लैब वालों से बात की है, ठीक है, बात करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो लोग कहते हैं उनका जो मैक्सिमम होता है ना, वो जैसे ऑफिसर्स हो गए या फिर लॉयर्स हो गए या फिर कोई बंदा आके बस उनसे ट्रेनिंग लेके डिप्लोमा लेके वो लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास, वो लोग करते हैं पैसे देके, बाकायदा करते हैं, ठीक है, तो इससे भी अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम 100% अपना रेवेन्यू देखें तो 50% यहाँ से आता है, 60% अराउंड यहाँ से आता है ये सामान बेच के, ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग वगैरह देखें, और 40% या 55% बाकी हम जितने केसेस सॉल्व करते हैं वहां से आते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो तो आप ये सारी चीजें भी करो। ये अगर आप अपना कंपनी जो है उसको ISO से एफिलिएट करवा लेते हो, और ये एफिलिएशन प्रोसीडियर ना बहुत ईजी होता है, ज्यादा कुछ हार्डवर्क है नहीं इसमें। अगर
ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ, अपना आईयूसीएच से सर्टिफाइड करा लेते हो तो आप किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हो अपना, और जो आप सर्टिफिकेट दोगे वो एक्सेप्टेबल होंगे हर जगह, क्योंकि वो आईएसओ सर्टिफाइड होंगे फिर, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इससे आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। ये एक मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जितने भी आप देख लो प्राइवेट लैब्स होते हैं ये सारी चीजें वो लोग इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनका जो अगर वो केसेस सॉल्व करते करते वो ठीक है, लेकिन उनका जो ज्यादा मेन रेवेन्यू होता है वो यहाँ से आता है। कई फॉरेंसिक लैब्स प्राइवेट लैब्स होते हैं वो लोग शॉर्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज भी देते हैं, कि बहुत सारे लोग करते हैं। और इंडिया में ऐसा है ना कि अभी भी डिप्लोमा और मास्टर्स और पीओ वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह तो काइंड ऑफ सिमिलर ही है अभी भी, धीरे धीरे, पहले तो इक्वल लेवल पे था, अभी हर जगह पे नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे होता है, फिर भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं एक डिप्लोमा को। और अगर आप एक फॉरेंसिक साइंस में एक डिप्लोमा है दोस्त, उसके 1 साल का डिप्लोमा है और आपका 2 साल का मास्टर्स है, तो आपको इक्वल वैल्यू दिया जाता है अभी भी बहुत सारे जगहों पे। हालांकि ये धीरे धीरे आगे जितना इसकी अवेयरनेस और स्प्रेड होगी ये कम होता जाएगा, और एक टाइम एक समय पे ये खत्म भी हो जाएगा, लेकिन वो होने में बहुत टाइम है अभी भी। तो मेरा अगर आप देखो ये सजेशन, आप चाहो तो मान सकते हो कि फॉरेंसिक का बिजनेस भी आप कर सकते हो, इससे अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। तो दैट वॉज इट गाइस, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट अमोंग योर फ्रेंड्स, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, या प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।